सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियों के वल। पंजाब के सात जिलों में शुरू हुई झोने की लवाई, पहले दिन ही रजवाहियां पहुंचा नहरी पानी। किसानों ने सरकार को निर्विघन बिजली सप्लाई देने की की अपील। कॉपीराइट उलंघना मामला, राहुल गांधी खिलाफ FIR से लगी रोक। वधी भारत जोड़ो यात्रा दौरान की गई थी संगीत की वरतों। गुजरात च तबाही के निशान छड़ गया बीपर जो, 1000 पिंडां च बत्ती गुल, कई मकान नुकसाए गए। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। पंजाब सरकार वालों धरती हेठला पानी बचाउण ते किसानां नूं झोने की लवाई लई 8 घंटे निर्विघन बिजली सप्लाई देने दे मंतव नाल सूबे अंदर 4 पड़ावां विच झोना लाउण की शुरुआत करन संबंधी इजाजत दित्ती गई है, जिस तहत गुरदासपुर ते पठानकोट समेत 7 जिले अंदर दूजे पड़ा तहत झोने की लवाई का काम शुरू हो गया। सवेर तो ही इस खेत्र अंदर 3 फेज बिजली सप्लाई आने कारण किसानों ने पहले दिन ही झोने की लवाई लिए खेत तैयार करने का काम पूरे जोरों शोरों नाल शुरू किया, जिस कारण अनेक किसानों वालों पहले दिन ही झोना लाया गया। गुरदासपुर नेले पिंड बब्बेहाली के किसान कुलदीप सिंह समेत होरना किसानों ने दसिया कि झोने की लवाई लिए बिजली की सप्लाई निर्विघन होनी चाहिए, तो उन्होंने तसली है कि सवेर तो ही 3 फेज बिजली सप्लाई आ रही। उन्होंने कहा कि जेकर सरकार अपने वादे अनुसार इसे तरह बिजली सप्लाई देती रही तो किसानों को कोई दिक्कत पेश नहीं आनी, तो उन्होंने ट्यूबवैल चलाने लिए डीजल नहीं फूकना। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिट फिल्म KGF चैप्टर 2 दे संगीत दे कथित कॉपीराइट उलंघना दे मामले च कांग्रेस पार्टी दे नेतावां राहुल गांधी, जयराम रमेश ते सुप्रिया श्रीनेत दे खिलाफ दर्ज FIR ते लगी रोक दी म्याद वधा दित्ती है। लहरी म्यूजिक नाल जुड़ी कंपनी MRT म्यूजिक ने अपनी शिकायत दोष लाया कि फिल्म दे संगीत दा कॉपीराइट उसके कोल है, ते कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा दे प्रचार वीडियो जिसके संगीत की वरतों की है। शिकायत भारतीय दंडावली दियां वख-वख तरहां कॉपीराइट एक्ट दियां व्यवस्थावां ते सूचना ते तकनोलॉजी कानून दी व्यवस्थावां दे तहत दर्ज कराई गई है। MRT म्यूजिक ने कॉपीराइट उलंघना की शिकायत कमर्शियल कोर्ट च की सी, जिसने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया खाते नूं ब्लॉक करन दा हुक्म दिता। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों वख-वख विभागों के 419 नवे नियुक्त उम्मीदवारों नियुक्ति पत्र वंडे गए। उन्होंने इस दौरान नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई दी ते मेहनत नाल काम करने लिए कहा। उन्होंने सुखबीर बादल वालों पागल कहने वाले बयान ते एक बार मुड़ उन्होंने ठोकवा जवाब दिता ते कहा कि उन्होंने पंजाब का इतिहास ही नहीं पता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखबीर कहते कि पंजाब च सिर्फ 3 मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बेअंत सिंह बरनाला साहब होए ने, जदों कि उन्होंने रजिंदर कौर भट्ठल, प्रताप सिंह कैरों, हरचरण बरार का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि करिए सुखबीर बादल ने तो कैमरिया मूहरे अपने पिता प्रकाश सिंह बादल नूं कई बार पिता समान कह दिता। दफ्तरां दे समें बदलने बारे भी सुखबीर ने कहा कि 2:30 हुण घर दीआं औरतां उठियां करनगीआं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखबीर नूं 2:30 दा नहीं पता, सगों उन्हां लई 2:30 है क्योंकि वह सरकारी स्कूल च नहीं पढ़े। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों च पढ़ने वाले बच्चे अपने फैसले आप लैण दे काबिल हुंदे ने, पर इन्हां लोकां च इह बिल्कुल भी नहीं है। हैगा असल च पब्लिक है, पब्लिक नूं नहीं हरा सकते जो पब्लिक लड़दी है। गालां गूलां मैनूं कढ लैंदे, जो मर्जी गालां कढी जाण, कोई कोई कुछ कह दिंदा, कोई कुछ कह दिंदा। हुण जदों जिहड़ा हारिया होया पहलवान हुंदा ना, उह हत्थों पाई ते आ जांदा हुंदा, गालां गूलां भी कढण लग जांदा हुंदा जदों जिद्दां नहीं हुंदा। उह उहनां नूं उह कम करी जाण दो, उहनां नूं उह आउंदा है, उहनां नूं उह आउंदा है। आ पिछे जे सुखबीर बादल की कह रहे सी, कहिंदे वी पंजाब दे 3 ने मुख्यमंत्री रहे हुण तक। पहली गल तां उहनूं समझाईए, ओ भाई कित पढ़िया पुढ़िया है तू कि नहीं, जिथे पढ़े हैं तू उत्थे पंजाब का इतिहास नहीं पढ़ाते, आ पहाड़ा स्कूलों च पढ़े ने। ओ भाई जस्टिस गुरनाम सिंह तो लैके उदू बाद थोड़े अपने भैन का सहुरा प्रताप सिंह कहरो मुख्यमंत्री है, वह भी नहीं गिणिया है जी। हरचरण बराड़ मुख्यमंत्री रहे, रजिंद्र कौर भट्ठल मुख, बस कहना तीनों ही होए ने हुण तक, एक मेरा बापू होया,
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਹੁਣ ਹੈ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਕੋਲ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 7:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 2:30 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ 1:30 ਵੀ ਕਹੂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਦਿਕ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ MLA ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ MLA ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਬੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਘਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਸੇਖੋ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲ ਵੇਲੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੇਖੋ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਖੁਦ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ 1 ਵੱਜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੱਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਪਰਜੋਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾੜਮੇਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜਲੌਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਪਾਲੀ ਤੇ ਸਿਰੋਹੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਲੱਭ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ? 100 ਟਿਕਟ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਖਰੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੰਡੇ 2 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕੱਚਾ ਅੱਧਾ ਪੱਕਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
कुछ दिन पहला गुरदासपुर के पिंड तिब्बड़ विच दो गुटां विच लड़ाई हो गई सी, जिस विच दोवां धड़ियां दे तीन व्यक्ति जख्मी हुए सन, जिस विच सैंसी भाईचारे नाल संबंधित जख्मी व्यक्ति ने पिंड दे इक सब इंस्पैक्टर दे भतीजे ते छेड़छाड़ करन दे दोष लाए सन, जिस दे तहत इंसाफ ना मिलन कारण सैंसी भाईचारा इकट्ठा होया ते उक्त लड़की नूं इंसाफ दिवाउण लई SSP गुरदासपुर नूं मिलिया, जिन्हां दा कहना सी कि जेकर पीड़ित लड़की नूं इंसाफ ना मिलिया तां उह रोस प्रदर्शन करन लई मजबूर होणगे। दूजे पासे सब इंस्पैक्टर दे हक विच नितरे पिंड वासियां ने कहा कि झगड़ा पुरानी जिस कारण होया, कुड़ी नाल छेड़छाड़ जानबूझ के मामले नूं गलत रोशनी च देख के सब इंस्पैक्टर दे भतीजे नूं फसाया जा रहा। एक पासे जिथे झोने की लवाई का सीजन शुरू हो चुकी है, किसानों वालों झोने की लवाई लिए जमीना तैयार की जा चुकी ने, उथे ही डेरा बाबा नानक अधीन पैंदे पिंडां विचों लंघदी रजवाहा उद्दों वाली किरण स्कैप गिल्लांवाली विच नहरी पानी ना पहुंचण ते किसानों वालों रोस जताया जा रहा है। इस मौके जदों मीडिया कर्मी कवरेज करन पहुंचे तो संबंधित अधिकारी कोई जानकारी देने की बजाय रफू चक्कर हो गए। इलाके के किसानों ने DC गुरदासपुर ते पंजाब सरकार नूं मांग की है कि झोने की लवाई के सीजन नूं मद्देनजर रखते हुए नहरी पानी पुजदा कीता जाए। नंगल मौजोवाल मुख मार्ग से वापरे सड़की हादसे दौरान दो व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोवें जख्मियों को तुरंत 108 एंबूलेंस सेवा राही सिविल हस्पताल नंगल पहुंचाया गया, जिथे उन्हां दी गंभीर हालत नूं देखदे आ उन्हां नूं PGI रैफर कर दिया गया। दूजे पासे हस्पताल के एमरजेंसी वार्ड ड्यूटी से तैनात डॉक्टर SP सिंह ने दोवां जख्मियों को कुछ दसिया कि उन्होंने गंभीर सट्टां लगियां होण कारण ड्रेसिंग करके उन्होंने PGI रैफर कर दिया गया, जिस इस दे नाल ही एक्टिवा सवार नूं भी PGI रैफर किया गया। तरन तारण के विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल वालों पिंड गगो बूहा विखे चारे विकास कार्यों का जायजा लिया गया, पिंड वासियों दी मुश्किलां सुनिया गया। पिंड वासियों ने दोष लाउंदे विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल नूं दस्सिया कि पिछली सरकार वालों पिंड लई करोड़ां रुपया की ग्रांट आई सी, पर पहली सरकार के नुमाइंदियां वालों सारी की सारी ग्रांट खुरद बुरद कर विधायक पासों इस मामले की जांच करवाउण की मांग की है। इस मौके विधायक ने कहा कि पिंड वासियों दी मुश्किलां नूं पहल के आधार पर हल किया जाएगा। फाजिलका जिले के पिंड राणा की पूनम राणी ने UPS 2022 की प्रीख्या 778वां रैंक हासिल करके पास की है। उन्होंने घर वधाइया देने वाले की आमद है। हलका फाजिलका तो विधायक नरेंद्रपाल सिंह सावना ने उन्होंने घर पहुंच के उन्होंने सम्मान किया। इस मौके विधायक नरेंद्रपाल सिंह सावना ने कहा कि सरहदी जिले फाजिलका के पिंड राणा की पूनम राणी ने UPSC 2022 की प्रीख्या के 778वां रैंक हासिल करके इतिहास रचे, जो साढ़े लिए माण की गल है। उन्होंने कहा कि पूनम राणी की इस प्राप्ति सूबे के इलाके ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੂਨਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPSC ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ UPSC ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੂਨਮ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UPSC ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 778ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। जलंधर के लाडोवाली रोड नेड़े न्यू दशमेश नगर च गैस लीक होण दी घटना सामने आई है। जानकारी मुताबिक आइस फैक्ट्री तो ही गैस लीक हुई है। गैस लीक होने तो बाद इलाका निवासियों नूं सांह लैण विच दिक्कत ते अखां विच जलन का सामना करना पिया। इस दे नाल ही कुछ लोगों की सेहत भी विगड़ गई। इलाका वासियों ने दस्सिया कि देर रात तो इलाके च गैस लीक हो रही है। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए इलाका वासी कमलजीत सिंह ने दस्सिया कि उन्होंने इलाके विच सूरज कोल स्टोर ना की बर्फ बनाने की फैक्ट्री इत्थे गैस लीक होने की घटनावां सामने आउंदियां रहिंदियां ने। यह गैस इन्नी जहरीली है
कि बच्चों की जान भी ले सकती है। मोहला वासी ने इस संबंधी जलंधर के डीसी ते एसएसपी जगमोहन सिंह कई बार शिकायत की है, पर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। जो इस संबंधी कोल स्टोर के फैक्ट्री मालक नाल गल करन दी कोशिश की गई तो उन्होंने कहना है कि उन्होंने फैक्ट्री में कोई गैस लीक नहीं हुई, गैस लीक हो रही है। इस घटना तो बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि गैस लीक होने कोई जानी नुकसान नहीं होया, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने गैस लीक होने की समस्या का हल कर लिया। बच्चे मारू गैस कल कोई अभी नबी होंगी है गैस दौरान पूरी की पूरी जिम्मेवारी इन्हों की होगी, जो भी साडा नफा नुकसान होएगा ये जिम्मेवार होंगे पूरे दे पूरे। की है स्टोर दा नाम की है? ये दा नाम राज आइस राज सूरज गोल्ड स्टोर है जी। ओनर दा नाम की हैगा? ओनर दा नाम ओदा नहीं पता, ओदा नाम नहीं पता। मतलब कहंदा है वे भाजी मेरे भाई इन्हां नूं ये चाहिदा है भाई हुण ये सारा मल्ला बस गया है, इन्हां नूं फैक्ट्री अपनी बाहर लाइनी चाहिए कितने। किन्ना टाइम हो गया ये गैस लीक होंदे? ये गैस लीक होंदे ही ते जिदा कहंदे ने काले चिट्टे हो गए है उदों दी गैस लीक हुंदी भी। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ सनी देओल दे बेटे ते अदाकार करण देओल 18 जून नूं दृशा आचार्य नाल व्याह दे बंधन विच बजन जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने प्री वैडिंग फंक्शन चल रहे हैं, इस दौरान उन्होंने संगीत समारोह के कई वीडियोज सामने आ रहे हैं। इन्होंने वीडियोज जिथे सनी देओल बेटे करण के संगीत जबरदस्त नचते नजर आ रहे हैं, उत्थे ही धर्मेंद्र भी अपने पोते के संगीत प्रोग्राम च डांस करते नजर आ रहे हैं। संगीत समारोह च सनी देओल गदर वाले लुक च नजर आए। समागम जदों उन्होंने सुपरहिट फिल्म गदर का गीत मैं निकला गड्डी लैके वजिया तो उन्होंने इससे खूब डांस किया। सनी देओल के बॉबी देओल चचेरे भरा अभिनेता अभय देओल भी करण के संगीत समारोह में स्टेज से डांस करते देखा गया। करण देओल भी अपने संगीत समारोह का खुल के आनंद लेंदे नजर आए। संगीत प्रोग्राम में दुल्हन दृशा आचार्य ने अपने डांस नाल समागम में मन मोलिया। दस दिए कि सनी देओल के बेटे करण देओल का संगीत समारोह ताज लैंड्स एंड होटल च आयोजित किया गया, जिस च बॉलीवुड दी कई मशहूर हस्तियां पहुंची हुई। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।